पहने हुए कपड़े को कैंची से काट दीजिए और जिस तरह ये दिखाई दे रहा है ऐसे ही आपको करना है। जिस तरह अभी मैं पूरा तरीका आप लोगों को सिखाऊंगा बताऊंगा, बस पहने हुए कपड़े के ऊपर नाम लिखें और इसको काट दें कैंची से। वो इंसान जहां भी होगा, जिस जगह पर होगा, अगर जीवित होगा तो वो आपके वश में हो जाएगा, उसी समय वो वशीभूत हो जाएगा, उसी समय वो आपसे बस और सिर्फ आपसे ही वो प्यार करना शुरू कर देगा, बस और कुछ नहीं। 10,000 लोगों का काम हुआ है इसी उपाय से, 10,000 लोगों का। अब कैसे हुआ है वही सीखें, सीखने के बाद अप्लाई करें। जो स्त्री अपने पुरुष यानी पति से बेहद प्यार करती है लेकिन उसका पति उसे प्यार नहीं करता, किसी और को वो चाहने की कोशिश कर रहा और किसी को चाहता है और किसी को प्यार करता है, एक नहीं है उसके 2-3 मित्र हैं, वहीं जाता है, वहीं रहता है, वहीं खाता है, वहीं पीता है, आपसे बात नहीं करता है, आपसे कोई भी संपर्क नहीं है उसका, तो उसे आप एक पल में बस कैंची चलाना है और वो आपके वश में हो जाएगा। और ना यकीन हो तो एक बार करके आजमा के देखिए, फिर मुझे बताइए। क्योंकि बिना किए हुए, बिना प्रयोग किए हुए उसका आप रिजल्ट नहीं देख सकते। करिए। और बड़े बड़े लोग जो भी यहाँ पर देख रहे हैं, बड़े बड़े एक से बढ़कर एक यहाँ पर देख रहे हैं मेरे चैनल को, मैं जान रहा हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ, कौन कौन मेरे वीडियो को देखता है, कौन कौन मेरे वीडियो से सीख रहा है और कौन कौन हमारे वीडियो के बराबर वीडियो बना करके अपलोड भी करता है, मैं सब देख रहा हूँ, सब कुछ जानता हूँ मैं। और उन्हीं के ही लोग, उन्हीं के ही वीडियो को देखने वाले लोग मुझे देख रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि उनके यहाँ से मैं 6 महीने से काम करा रहा हूँ, 1 साल से काम करा रहा हूँ, 2 साल हो गया उनसे काम कराते कराते, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, बस सिर्फ बात करते हैं, बात करते हैं बस। तो देखिए, किसी का चेहरा देखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप काम देखिए। कुछ लोग बोलते हैं गुरु जी अपना चेहरा दिखा दीजिए, फेस रिवील कब करेंगे अपना, इतना आपका नाम हो गया, इतना आपका बड़ा चैनल हो गया, लोग बोलते हैं मुझे। बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि पहले 2 ही लोग मुझे सब्सक्राइब किए थे, आज तो पता नहीं कितने हैं, 10-20 हज़ार होंगे, पता नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं कभी आज तक। तो वो बोलते हैं गुरु जी चेहरा दिखा दीजिए, मैं तो बोलता हूँ चेहरा देखने से अच्छा है काम देखो, काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, काम को आप यहाँ पर महत्व दीजिए। तो चलिए मैं सिखाऊंगा कि ये कपड़े द्वारा वशीकरण कैसे करते हैं पति का, और पति अगर चाहे तो अपनी पत्नी का वशीकरण कैसे करें। और हाँ, वो लोग भी इस उपाय को ज़रूर करें जो लोग जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, लगी हैं शादी, मिठाई बट गई, कहीं कहीं तो मंगना होता है ना, मांगने वाला मंगना होता है, और वो हो गया, लड्डू बट गए, परिवार पटीदार समाज में बता दिया गया मेरी बेटी की शादी वहाँ से होने वाली, अब शादी के 15 दिन बाद इनकार हो रहा है, मैं नहीं करने वाला, भाग गए, अब नहीं करेंगे, तो भाई लड़की यहाँ पर बदनाम हो गई बेचारी। इसी तरीके से अपोजिट देख लीजिए, लड़की वाले भी मना कर देते तो लड़का बदनाम हो जाता है। तो ऐसी जगह पर भी अगर चाहें तो ये उपाय कर सकते हैं। वो जितने लोगों के कपड़े काटोगे, जितने लोगों के नाम से, वो सारे के सारे तुम्हारे दीवाने बनेंगे। देखो स्क्रीन के ऊपर अब मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको कैंची एक खरीदनी है, कैंची मार्केट में मिलती है, वो आप खरीद लाना या आपके पास होगी पहले से। तो कैंची एक ऐसी चीज़ है कि कैंची के ऊपर टोटके कैसे होते हैं वो मैं बता देता हूँ। कैंची एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसके ऊपर 2 मिनट के अंदर, अभी मैं आपको बताऊँगा, 2 मिनट के अंदर शुरू हो जाएगा तंत्र। बस कैंची ऐसे लो, घर में बजाना चालू करो, अपने ही घर में बजाना चालू करोगे कैंची का, मैं तंत्र बता रहा हूँ आपको बिना कुछ बोले हुए। जो भी अपने घर में कैंची खाली ऐसी बजाएगा उसके घर में फूट पड़ जाएगी, लड़ाई होगी, करकर मचेगा, दाता चलेगा। तो ये वो कैंची है, उसी कैंची के ऊपर आपको ये मंत्र लिखना है जो सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, यही कैंची लोहे की कैंची होती है, आयरन की, इस कैंची के ऊपर आपको लिखना है। ध्यान रहे प्लास्टिक की ना हो, लोहे की कैंची हो, अब पीतल की हो, तांबे की हो, कांसे की हो, उससे मतलब नहीं है, कैंची लोहे की होती है। तो लोहे की कैंची पर आपको ये मंत्र लिख देना है, जैसे जैसे दोम लगा हुआ है, जैसे जैसे मंत्र लिखा है वैसे वैसे लिख दीजिए, फिर आजमा के देखिए। दोस्तों 100% हमने जिन लोगों के काम अपने यहाँ से किए हैं उनके काम तो हुए, आपका काम भी हो सकता है,
अगर ईश्वर चाहेगा, माता रानी की कृपा रहेगी तो बस एक ही बार काटोगे, एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन इसको कई मरतबे काटना है, वही सीखना है आपको, किस दिन करना है ये सब सीखिएगा, बिना सीखे मत कीजिएगा। और बहुत ही सूझबूझ के साथ में, ये नहीं कि बस हमने कोई है पड़ोस में रहता है, लाओ उसे नाम का कपड़ा काट दें वो मेरे वश में हो जाएगा, ऐसी सोच अगर रख रहे हैं तो मत करिएगा, क्योंकि शायद इसमें रिजल्ट भी ना दिखे, और अगर दिख भी गया तो आपके गले पड़ जाएगा, फिर वो उतरेगा नहीं गले से, ये वो हड्डी है, ना निगली जाएगी ना उगली जाएगी। तो इसलिए सूझबूझ के साथ में करें, शादी हो गई है तो पति के ऊपर, शादी हो गई है तो पत्नी के ऊपर, क्योंकि वो पत्नी वो पति जन्मों जन्म का साथी होता है, वो प्यार होता है, वो प्रेमी होता है, वो प्रेमिका होती है। हम उसे खुश करने के लिए, उसे पाने के लिए हज़ार हद तक जा सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो, बाथरूम के अंदर करना है ये काम, बाहर वगैरह कहीं नहीं करना है, न चौराहे जाना है, न यहाँ जाना है, न नदी पर जाना है, न कुएं पर जाना है, कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है। बस बाल खोल देंगे आप, बाथरूम जाएंगे, सबसे पहले तो वो कपड़ा ढूंढेंगे आप जिसके ऊपर आपको ये तंत्र करना है, वो कपड़ा उसका ही पहना हुआ होना चाहिए, क्योंकि वीडियो ही में मैंने पहले बता दिया कि ऐसे लोग इस उपाय को करेंगे तो उनके पास में होगा कपड़ा, ज़रूर होगा 100% कपड़ा उनका होगा। तो उस कपड़े को आपको बिना धुले हुए धुलना नहीं है, उस कपड़े पे सिर्फ नाम लिखना है आपको, अपना और उसका दोनों का नाम लिख दें आप बस, फिर देखो ये तंत्र जादू किस तरीके से चलता है। और जो दावा करने वाले लोग हैं वो लोग भी देख लें इस वीडियो को और करके देखें, वो अपने ही घर में करके देख लें, पता चल जाएगा, पहले करें फिर उसके बाद पता चलेगा। इसके ऊपर कमेंट कर देना कि मैंने इस उपाय को किया, फिर कल करना कमेंट कि मेरा काम हो गया, अपनी इच्छा से करो कि आप कमेंट में, जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं कि वो काम हो गया का कमेंट करो, काम हो जाएगा तो जरूर कर देना कमेंट आप। तो आप कपड़े के ऊपर नाम लिख देंगे, अपना भी और उनका भी दोनों का नाम लिख देंगे, और बाथरूम जाएंगे। बाथरूम करने से पहले, यानी जो भी आपको करना है उससे पहले पहले बिना मंत्र बोले हुए, कोई मंत्र बोलना भी नहीं है, बिना मंत्र को बोले हुए आप इस कपड़े को इस कैंची से काट देंगे, क्योंकि कैंची बनी हुई है पूरी, देख लो आप जैसे कैंची बनी है उसी तरीके से दोनों धार के ऊपर आपको ये दोनों मंत्र लिख देने हैं। और लिख देने के बाद में आपको पूरब की दिशा में खड़े होना है, आपका जो मुँह है वो पूरब की दिशा में होना चाहिए। अब आप कैंची उठाइए सीधे हाथ से और उल्टे हाथ में कपड़ा लीजिए और कपड़े को तीन बार में काट दीजिए आप पूरा, ठीक है। और उसके बाद में उस कपड़े को उठाइए, पोटली बनाइए, कहीं चौराहे पर ले जाकर डाल दीजिए, उसके नाम का आप बोल करके कि वो इंसान आपके वश में हो जाए, जैसे आपको प्रार्थना करनी है कर लीजिए, आप जिसको भी मानते हैं उसके लिए आप प्रार्थना कर लीजिए। अब आप चले आइए, इस कैंची को अपने घर में रखिए और इस कैंची पर जो ये मंत्र लिखा हुआ है, इस मंत्र को कैंची के ऊपर लिखा लिखा, कहीं और नहीं लिखना है, सिर्फ कैंची पर ही लिखना है, और इस मंत्र को कैंची के ऊपर जो लिखा हुआ है इसी को रोज उठाना है, रात को सोते टाइम पढ़ जाना है, पढ़ते रहना है इसे, अनलिमिटेड, कोई भी सीमा नहीं है कि इसको 10 बार पढ़ना है, 20 बार पढ़ना है, 100 बार पढ़ना है, 1000 बार पढ़ना है, जितना पढ़ना चाहो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा काम होगा। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ ही दिनों में ये काम असर दिखाता है, कुछ ही वक्त में दिखाता है, किसी किसी का तो कुछ घंटे में दिखा देता है, वो आपके नसीब के ऊपर है कि ये काम कितनी देर में असर करेगा। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो GHTV चैनल, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बिना लाइक किए, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए इस उपाय को कोई भी ना करे।